अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर हिंदी में मधुप में चैप्टर नंबर 2 नीलम्बरी पढ़ाया था। आज मैं आपको उसकी क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ और आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करने हैं और बहुत सफाई से करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप अपने मम्मी पापा की मदद से या भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। आपका पहला प्रश्न है, मिंटू कहाँ जा रहा था? इसका उत्तर है, मिंटू अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, सुंदर बगीचा किसका था? इसका उत्तर है, सुंदर बगीचा नीलम परी का था। प्रश्न नंबर 3 है, मिंटू को भाई बहन कहाँ मिले? उत्तर है, बगीचे के दूसरी ओर। अब आपके हैं कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, तालाब के किनारे परी ने क्या देखा? इसका उत्तर है, तालाब के किनारे परी ने एक बच्चे को रोते हुए देखा। प्रश्न नंबर 2 है, मिंटू कैसे खो गया था? इसका उत्तर है, मिंटू मेला देखने गया था, रास्ते में उसे सुंदर बगीचा दिखा और वो अपने भाई बहनों को बिना बताए बगीचे में चला गया और भटक गया। प्रश्न नंबर 3 है, परी ने बच्चों को क्या समझाया? इसका उत्तर है, परी ने बच्चों को समझाया, बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ ही जाना। ये इसकी कुछ दो एक्टिविटी मैंने कराई हैं। इन शब्दों में बिंदु लगाकर लिखिए। अब आप देखिए, बिंदु लगाने के बाद इसको बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। जैसे ये है बदर, तो बिंदु लगाने के बाद ये हो गया बंदर। ये सेकेंड है चदा, इसको बिंदु लगाने के बाद हो गया चंदा। थर्ड है पसद, बिंदु लगाने के बाद हो गया पसंद। फोर है रग, और बिंदु लगाने के बाद हो गया रंग। सही शब्द चुनकर लिखिए, उसका उसे उसके वह। अब आपको इनमें जो आएगा वो लिखना है। एक परी थी, नाम नीलम था, क्या था? उसका, पहले में आएगा उसका। बहुत सुंदर थी, क्या आएगा? वह। पास जादुई छड़ी थी, किसके? उसके, क्या आएगा यहाँ? उसके। बच्चे पसंद थे उसे, ठीक है। ये काम आपको बहुत सफाई से अच्छी तरीके से करना है और अपना काम टाइम टू टाइम करिए, ठीक है।